हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। राम जुली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रहा है और मैं खाना बना रहा हूँ। अभी देखिए, इधर चावल चढ़ा दिया हूँ, चावल भी डाल दिया हूँ इसमें। ये देखिए, और इधर बनाने वाला हूँ ये नेनुआ का सब्जी। आज जुली लोग आ रहे हैं तो देखते हैं कब तक पहुंचती है। 6 बजे फोन की थी कि हम लोग बस बैठ गए हैं, लगता है 11, 11:30 या 12 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसीलिए खाना और लोकली भी बना दे रहा हूँ। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, फिर वो लोग खाते हैं तो दिखाते हैं क्या लेके आ रहे हैं। आम वगैरह ला रहे होंगे। तो फाइनली मेरा ये सब्जी कट गया दोस्तों, काट दिए हैं। इधर आलू है, इधर प्याज है, मिर्चा काटना बाकी रह गया है। ये बात, लहसुन भी डाल देंगे। और मेरा चावल उधर पकने वाला है। ये सब्जी चढ़ा दिए हैं दोस्तों, ये मिला नेनुआ में आलू मिलाए हैं, नमक डाल दिए हैं। इधर मेरा चावल पक गया है, मेरा सब्जी भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग नानी लोग के घर से हम लोग आ गए हैं पूरा एंजॉय करके। 19 दिन दोस्तों, क्योंकि हम लोग 1 तारीख को गए थे और आज 19 तारीख है, आज हम लोग आए हैं। जिस दिन हम लोग का आने का प्लान था उस दिन तो हम लोग का छोटा बाबू का तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम लोग उस दिन नहीं आ पाए। तो आज हम लोग आए हैं और मेरा स्कूल भी 2 दिन छूट गया क्योंकि 18 तारीख मतलब कि कल खुला था। तो और पापा तो नहीं गए थे, तो पापा के लिए हम लोग कुछ ले के आए हैं जो है कच्चा आम। ये सब हम लोग तो पूरा खा के आए हैं दोस्तों। ये देखिए इतना है कच्चा आम, ये देखिए कच्चा कच्चा आम। मेरे लिए तुम लोग कच्चा आम भर लेके आई है, तो पक्का हुआ नहीं? खत्म हो गया, हम लोग खा खा के खत्म कर दिए। राज भी खा लिया क्या? हाँ, राज बहुत ज्यादा खाया है। राज कैसा लगा नानी घर में? अच्छा। क्या कर रहा था नानी घर में 19 दिन? हाँ, एक दिन आने जाने में 17। एक तारीख को तो गया था, तो 2 तारीख से 18 तारीख तक, आज 19 है। तुम लोग एंजॉय किए और मेरा इधर इंजॉय हो गया। आपको भी जाना चाहिए था। और इसमें क्या है? इसमें हाँ? इसमें गेहूं और अरवा चावल है। और गेहूं को क्यों ले आया? पता नहीं, मम्मी बोल रही थी तो ले क्या। इसमें क्या है? इसमें इसमें है आम बनाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मम्मी वहीं से काट के सुखा के लेके आई है आम का अचार बनाने के लिए। तो पूरा सूख गया है ज्यादा। तो बस हम कच्चे आम खाएंगे। हाँ, हालांकि तो पक्का पक्का खा खा के हमने पूरा खत्म कर दिए। तो अब बाबू बाबू ओ बाबू ये तो बाबू इसका ये देखिए पीछे तरफ, इसी के वजह से बाबू का तबीयत खराब हो गया था। ये देखिए पूरा फुंसी फुंसी हो गया है बाबू का, इसलिए हम लोग नहीं आए। और इधर फुंसी के चलते ही बुखार आ गया था दोस्तों। हाँ। नानी घर में खूब दाल भात खाया है। हाँ, बहुत ज्यादा खाया है बाबू। बहुत खुश लग रहा है। इधर ही लोग धूप में आया है तो थोड़ा नींबू पानी बना रहे हैं। ये लोग ही नींबू लेकर आया है चुल्ली सब, देखिए। और इधर आते आते शुरू हो गया है एक गेम मास्टर, गेम खेलने में लग गया है। तो दोस्तों, हम लोग का फ्रिज से नींबू पानी बनाते हैं। देखिए, जादू से गिर रहा है ये अपने से। यही है हम लोग का फ्रिज,
इसी से अभी नींबू पानी तैयार करते हैं। ये लोग धूप में ऐसे आए हैं तो ये नींबू पानी पिला देते हैं। इधर तो हो गया एक बार इसका बंटवारा हरा बोतल का। पापा नींबू पानी बना रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग धूप में आए हैं तो आज हम लोग पियेंगे। नानी घर से आया था, धूप लग गया है। रस नहीं है जैसे दिख रहा है दोस्तों, देखते हैं है कि नहीं। रस तो बहुत है दोस्तों, देखिए कैसे गिर रहा है। रस है इसमें, नहीं होगा जैसे लग रहा था हमको। रस है इसमें, ये कितना निकल रहा है, बहुत हो गया, पूरा खट्टा खट्टा हो जाएगा। एक ही काफी है, एक ही में बहुत रस निकल गया। इसे नमक मिला देते हैं, नमक मिला बोल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, टेस्ट करते हैं कैसा तैयार हुआ है नींबू पानी। अच्छा लगा। तो दोस्तों, इतना दिन तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था और अकेले में थोड़ा नहीं बनता है, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, इसी के चलते वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर वीडियो डालते रहूंगा। तो आप लोग प्यार दुलार देते रहिएगा। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।